वेसु श्याम बाबा मंदिर के पास 3 BHK फ्लैट है, बहुत बढ़िया फ्लैट है ये। हम लोग ड्राइंग रूम में है, अच्छा सा ड्राइंग रूम है, साथ में 6 फुट की बालकनी मिल रही है, डेक बालकनी, लुक भी अच्छा है। डेक बालकनी तकरीबन 6 फुट बाई 25 फुट की डेक बालकनी है। किचन यहाँ पे पूजा के लिए, स्टोर रूम 4 6 बाई 3 9 का किचन, 17 फुट 4 इंच बाई 11 फुट का बड़ा सा किचन के साथ है। डाइनिंग एरिया है, बाहर वॉश एरिया है 4 बाई 11 का, ये भी बड़ा है, अच्छा है, वॉश एरिया 4 बाई 11 का। इसमें खासियत है, एक बेडरूम ड्राइंग रूम के साथ में है और 2 बेडरूम अंदर है। ड्राइंग रूम के साथ में एक बेडरूम 11 बाई 15 का, और जो ड्राइंग रूम वाली जो बालकनी है वो इधर भी मिलती है, बढ़िया सी बड़ी सी 6 फुट वाली बालकनी है। यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हैं, अटैच की साइज है 5 बाई 10 की। ये बेडरूम अलग से है। अभी फिर एक बार हम ड्राइंग रूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम से किचन में और किचन से और 2 बेडरूम में, क्योंकि 3 BHK फ्लैट है। ये इससे कॉमन आ गया, यहाँ पे मास्टर बेडरूम, इसमें अटैच मिलता है, अटैच की साइज है 5 फुट बाई 11 फुट की, बड़ी साइज है, 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। ये मास्टर बेडरूम है, दोनों साइड स्टैंडिंग बालकनी मिलती है, और बेडरूम की साइज है 14.5 बाई 11 की। बहुत बढ़िया सैंपल फ्लैट भी बनाया है, आर्किटेक्ट ने कुछ नया आइडिया लॉन्च किया है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखेंगे वो भी दिखाया गया है, सैंपल फ्लैट भी अच्छा बनाया है। यहाँ पे स्टैंडिंग बालकनी आएगी और एक यहाँ पे, यानी कि दोनों साइड में क्रॉस वेंटिलेशन भी होगा और स्टैंडिंग बालकनी आएगी। फिर एक बार मैं बाहर निकल रहा हूँ, अभी बच्चों के बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में यहाँ पे हम देखेंगे तो 11 बाई 10 का बेडरूम है, उसमें भी स्टैंडिंग बालकनी मिलती है, यहाँ पे वार्डरोब आ जाएगा और यहाँ पे बेड आ जाएगा, कॉमन वॉश बेसिन। फिर एक बार हम ड्राइंग रूम और किचन में आते हैं, एक किचन आ गया और फिर हम फिर एक बार ड्राइंग रूम में आएंगे, बढ़िया सा ड्राइंग रूम बनाया है। ये देखिए 2400 स्क्वायर फीट, श्याम मंदिर के पास, वेसु श्याम मंदिर के पास है ये फ्लैट है, और बहुत बढ़िया बनाया है। मेट्रो ट्रेन भी यही से गुजरती है, डायमंड गुड्स से सठाना जाने वाली, और फ्लैट भी अच्छा बनाया है।